अज्ञात लोग घातक हथियार के साथ चोरहटा हवाई पट्टी के समीप हाईवे से सटे पेट्रोल पंप के पास में डकैती की फिराक में थे। मुखबिर द्वारा सूचना मिली तो पुलिस के आला अधिकारियों ने तुरंत ही तत्परता दिखाते हुए अज्ञात लोगों को धर दबोचा। पुलिस द्वारा इन बदमाशों की तलाशी में देसी कट्टा, जिंदा कारतूस के साथ चाकू और लोहे की राड जब्त की गई है और आरोपियों से अब पूछताछ की जा रही है। इस घटना का खुलासा करते हुए पुलिस कंट्रोल रूम रीवा के पुलिस कप्तान आबिद खान द्वारा बताया गया कि आरोपियों के नाम प्रिंस उर्फ ओम कचेर, सिद्धार्थ उर्फ जग्गू तिवारी, शुभम खटीक, रूपेश मिश्रा, कमल कोल, बंटी दाहिया बतलाए जा रहे हैं, जिनसे अब कड़ी से पूछताछ की जा रही है। तो जिसके बाद एक के बाद एक कड़ी जुड़ती जा रही है, मामले में कई खुलासा होना बतलाया जा रहा है। चोटा पुलिस के द्वारा 6 संदिग्ध लोगों को अरेस्ट किया गया है और बेसिकली इनके पास कई सारे तरह तरह के हथियार मिले हैं, जिसमें कट्टा है, बका है, रॉड है, और जिससे संभावना समझ में आ रही थी कि ये लोग कोई बड़ी चीज़ प्लान कर रहे हैं। पूछताछ करने पे ये बात समझ में आई कि ये किसी पेट्रोल पंप वगैरह पे कुछ लूट लूट करने का इनका इरादा था, जिसका ये लोग प्लानिंग कर रहे थे। और इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि इसमें 4 लोग जो हैं वो अमरपाटन के रहने वाले हैं। 6 लोगों में से 3 लोगों के पूर्व अपराध हैं। एक का 307 पहले से अमरपाटन में रजिस्टर्ड है, एक का 324 रजिस्टर्ड है, एक व्यक्ति केवल 4 चोरियाँ रजिस्टर्ड हैं। तो ये पूरा गैंग था, ये किसी घटना को प्लान कर रहा था जिसमें कि इनको पकड़ा गया और एक बड़ी घटना को छोटा थाने ने रोका है, मैं समझता हूँ। इंटरेस्टिंग बात इनके साथ ये थी कि इनको जब इनसे इंट्रोगेशन शुरू किया गया, पूछताछ शुरू की गई कि आप किस तरह से कर रहे हैं, जिस तरह के हथियार ये रखे थे, जैसे कि एक रॉड रखा हुआ था, एक चाकू रखा हुआ था, तो एक बहुत ही सिमिलर घटना अपने कुछ दिन पहले आप लोग के संज्ञान में होगी, जो सुबह सुबह मॉर्निंग वॉक पे एक लड़का जॉगिंग पे कर रहा था और फिर कोई आकर के उसके साथ चाकू मार देता है और सुबह सुबह उसको मोबाइल लेने का प्रयास करते हैं। जब उनसे पूछा गया तो फिर इस घटना में उनकी संलिप्तता, 6 में से 5 लोगों की संलिप्तता पता चली। और क्योंकि उस समय घटना में 6 लोग थे, 3 लोग बाइक पे थे जिन्होंने घटना की थी और 3 लोग उनके साथी थे जो अलग कहीं खड़े हुए थे, जिस प्रकार से फरियादी ने बताया था। 6वें आदमी का भी पूछताछ में खुलासा किया कि कौन है, वो एक नाबालिग बच्चा है, इसलिए उसके नाम का खुलासा नहीं किया जा रहा है। फरियादी ने भी उस घटनाक्रम में ये बात बताई थी कि जो 3 लोगों ने उनके ऊपर हमला किया उसमें से एक बच्चा है, बच्चे जैसा, छोटी उम्र का बच्चा है। तो ये एक बड़ी गैंग को चोरटा पुलिस ने ट्रेस किया है, जिसमें कि हम लोग को जो चीज़ें मिली हैं वो 12 बोर लोहे का एक देसी कट्टा मिला है, एक जिंदा कारतूस मिला है, 2 बकाए मिले हैं, 1 चाकू हमें मिला है और 1 जो है हमें लोहे की रॉड मिली है, जो कि घटना में प्रयोग की गई थी, जो जॉगिंग वाली जो घटना है। पुलिस की टीम ने इसमें बहुत मेहनत किया, हम लोग लगातार, ये जॉगिंग वाली घटना भी काफ़ी सीरियस घटना थी, आप सब लोग ने काफ़ी उसको कवरेज भी किया था, आप सब लोग को ध्यान में आ रहा होगा, सुबह सुबह दौड़ रहा था, कई सारे इसमें एंगल्स आ रहे थे कि कुछ और कहानी तो नहीं है इसमें घटना के पीछे, लेकिन फाइनली ये बात समझ में आई थी कि कोई लूट के उद्देश्य से ही इसको कारित किया गया है। और ये जो आरोपी पकड़ाए गए हैं, इनका बेसिकली मोडस ऑपरेंडी ये रहता था कि ये बाइक से अमरपाटन से आते जाते थे, कुछ यहाँ लोकल के लोग हो गए 2-3 और कुछ 3-4 वहाँ के हो गए और साथ में आकर के मूव करते थे और मूव करके घटना कारित करते थे। इनकी एक बाइक भी हमने जब्त की है, R15 बाइक जब्त की गई है, एक और बाइक है जिसकी हम लोग अभी तलाश कर रहे हैं, उसके बारे में इनपुट मिला है, वो भी हम लोग रिकवर कर रहे हैं। तो इस प्रकार से एक बड़ी गैंग का खुलासा हुआ है और जो एक हमारा एक बड़ा अपराध था 307 393 का, वो भी साथ में ही खुला। इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा जो हमारे CSP साहब हैं, हमारे थाना प्रभारी हैं, उनकी जो पूरी टीम है जो उसमें लगी थी, और निश्चित रूप से ये आगे होने वाली कुछ और संभावित घटनाओं को इसका वजह से रोक पाया।